अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हम तुम फूड रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कीमा ग्रीन बीन्स के साथ। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी को एंड तक देखें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने मिन्स ले लिया है मटन का ½ kg, ½ kg से थोड़े से कम मैंने बीन्स ली हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है धो के। और साथ में मैंने ले लिया है ऑयल ½ कप, 1½ मैंने साइज की प्याज ली है उसको मैंने बारीक काट लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने योगर्ट का लिया है, 2½ मैंने साइज की टमाटर लिए हैं उनको मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च 1 टेबल टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने नमक का लिया है और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। उसके साथ मैंने ली है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 दालचीनी के स्लाइस ले लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है, 1 मैंने इलायची ले ली है सब्ज़ वाली, 2 मैंने लौंग ले ली है और 1 कड़ी पत्ता ले लिया है। उसके साथ मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और थोड़ी सी अदरक मैंने बारीक काट ली है, थोड़ा सा धनिया मैंने लिया है और 3 सब्ज़ मिर्ची। तो बहुत आसान डिश है, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके साथ मैंने कीमा ऐड करना है। आप चाहें तो चिकन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने प्याज ले लिया है, साथ में मैंने मसाले डालने हैं जितने भी मसाले डाले थे, कसूरी मेथी वो अभी नहीं डालनी, इसको मैं बाद में ऐड करूंगी। साथ में मैंने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 कप के करीब पानी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन ½ घंटे के लिए गलाने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं दरमियानी आंच पर ढक दूंगी और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। अभी इसको 45 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है, उसके बाद ट्राई कर देखते हैं। भून लेंगे।
मिलते हैं।